तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली यूपी समेत देश के कई राज्यों में घमासान जारी है। लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो यूपी में हुई हिंसा में 11 लोगों की मौत। तो अब मौत का जो आंकड़ा है जो अब तक 6 था वो अब 11 हो गया। 18-19 दिसंबर को यूपी के कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुई थी, कई शहरों में CAA को लेकर हिंसक प्रदर्शन। तो PTI के हवाले से आपको ये जानकारी हम दे रहे हैं कि जो मौत का आंकड़ा 6 था वो अब 11 हो गया। तो यूपी के 12 से ज्यादा शहरों में इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। वहीं इस स्थिति को देखते हुए यूपी टेट की जो परीक्षा है वो भी रद्द की गई है। नई तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ, लेकिन यूपी में हुई हिंसा के दौरान 11 लोगों की मौत। PTI के हवाले से जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो लगातार यूपी में कोहराम जो है वो मचा हुआ है। यूपी में मौत का जो आंकड़ा बढ़ा है वो PTI के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। तो सुबह तक ये आंकड़ा 6 था, लेकिन अब PTI के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 11 लोगों की मौत इस हिंसा में हो चुकी है। लगातार सीएम योगी प्रदर्शनकारी उपद्रवियों से अपील कर रहे हैं शांति बनाए रखने की, प्रदेश के माहौल को ना बिगाड़ने की, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की स्थिति बीते कल भी देखने को मिली थी। लेकिन आज क्या कुछ यहां पर चुनौती रहती है प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार के सामने, क्योंकि लगातार CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर ये नाराजगी लोगों की तरफ से जाहिर की जा रही है। कुछ खास समुदाय के जो लोग हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि इस कानून के जरिए उनकी जीविका, उनकी पहचान को कहीं ना कहीं खतरा है। और अगर मुस्लिम समाज के संगठन की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि संविधान के मूल ढांचों के खिलाफ है। जो 14, 21 और 25 के संविधान अनुच्छेद का उल्लंघन करता है, लेकिन जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं वही संविधान का उल्लंघन करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि संविधान के मुताबिक अगर बात करें तो सभी को आजादी है अपनी बात रखने की, इस तरह से प्रदर्शन करने की, लेकिन जब ये प्रदर्शन उग्र रूप ले लेता है, हिंसक हो जाता है, उसके बाद ये असंवैधानिक हो जाता है, जो सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन माना जाता है। और इसी के चलते सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा था कि रासुका गैंगस्टर के तहत जो है कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी उपद्रवियों में अराजकता फैलाने वाले तत्वों में कोई डर कानून का नहीं दिख रहा है।